मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चलाए जा रहे सुशासन सप्ताह के तहत चंपावत जिले के भ्रमण पर आए सचिव कृषि पशुपालन सहकारिता डॉक्टर बीबीआरसी पुरुषोत्तम ने विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर ग्रामीणों स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की समस्याओं को सुना। उन्होंने लोहाघाट स्थित ग्रोथ सेंटर पहुंचकर वहां बनाए जा रहे लोह उत्पादों और उनके विक्रय की जानकारी ली। तमाम समूहों की महिलाओं से भी बातचीत की और उनकी समस्याओं को गंभीरता से लिया। इस दौरान सचिव डॉक्टर पुरुषोत्तम ने विकास आजीविका महिला स्वायत्त सहकारिता समूह लोहाघाट की महिलाओं को 80% सब्सिडी में कृषि यंत्र वितरित किए। ये निर्देश दिया है कि सुशासन सप्ताह में पहाड़ के जनपदों के तीन दिन हम जाएंगे। इसके बाद मुख्यतः यहाँ पर महिलाओं की समस्या काफ़ी उभर के आया है। मेन है यहाँ जंगली जानवर का समस्या है और काफ़ी लोग पशुपालन और बकरी पालन में काफ़ी लोग इच्छा भी रख रहे हैं। सो उसी के अनुसार हम पॉलिसी बनाएंगे। यहाँ पर हमने एक नया गोट वैली हम शुरू करेंगे क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पर बकरी पालन करना चाह रहे हैं। उन सब लोगों को हमने 20 बकरियाँ हम देंगे जल्दी, हम 2 से 3 महीने के अंदर। और जो जो लोग कुक्कुट पालन करना चाह रहे हैं उनके लिए भी पोल्ट्री वैली के तहत 250 चूज़े हम उन लोगों को उपलब्ध कराएंगे, सो दैट महिलाएँ खुद ही उनकी पैरों पर खड़ा हो सके। और दूसरा, आज हमने कृषि यंत्रों का यहाँ पर वितरण भी किया है अभी परियोजना के अंदर। पर हमने बागवानी क्षेत्र में यहाँ पर एक नर्सरी है, वहाँ पर हमने पहले इसके लिए सेंटर ऑफ एक्सलेंस बना रहे और कोल्ड स्टोरेज यहाँ पर पहले बनी है यूपी टाइम पर, बट किसी कारणवश उसका संचालन नहीं हो पाया है। हम जल्दी यहाँ पर एक कोल्ड स्टोरेज का भी शुरुआत कराएंगे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा। आज की तारीख में हमारे माननीय मंत्री पशुपालन मंत्री सौरभ बघेल जी का एफर्ट्स के अनुसार हमने 4 रुपये जो दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन राशि है वो हम 15 दिन के अंदर उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। हाल में 2 से 3 रुपये हर काश्तकार का डेयरी दुग्ध उत्पादक का रेट हमने बढ़ाया है। अभी ये जो बता रहे हैं जो शिकायत है उसको हम देखेंगे कि किस कारण वो इसमें कम पैसा मिल रहा है।